एक एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है वो है हाइड्रा। ये मल्टी सेल्यूलर है। इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसकी जो बॉडी वॉल है, जो इसकी बॉडी है ना, उसके ज़रिए होती है। इसकी बॉडी बॉडी वॉल की टू लेयर्स हैं, दे जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी भी हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और इनके दरमियान में मेसोग्लिया होती है। ठीक है, पानी जो है वो आउटसाइड एंड इनसाइड जो है वो मूव करता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के। ये जो सारी कैविटी है इस हाइड्रा के एनिमल के अंदर, ये सारी कैविटी जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। पानी ने अंदर आना भी होता है, पानी ने बाहर भी जाना होता है, यही ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर। तो जो पानी आ रहा है और जो पानी जा रहा है, उसी के अंदर ही ऑक्सीजन डिजॉल्व हुई होती है, और वही ऑक्सीजन जो है वो इस एनिमल को मिलती है। उसके अलावा जो पानी के अंदर इसकी खुराक एंटर होती है पानी के ज़रिए, इसके माउथ के ज़रिए, वो एंडोडर्म के ज़रिए जो अंदर वाली वॉल है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और आगे डिफ्यूजन का प्रोसेस ही कंटिन्यू रहता है। ठीक है, एक्टोडर्म तक वो फूड जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए जाएगी, मीन एंडो से एक्टो तक फूड जो है वो सेल टू सेल डिफ्यूजन के ज़रिए जाएगी। उसके अलावा वेस्ट भी पानी के ज़रिए एक्सचेंज होंगे, क्योंकि ये जो हाइड्रा होता है ये पानी के अंदर ही रहता है। चीज़ों ने पानी से इसकी बॉडी में एंटर होना है और इसकी बॉडी से पानी में वापस चले जाना है। तो ये इन एंड आउट जो है ना वो इसके एनवायरनमेंट के ज़रिए होती है, और उसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं वो ये लेयर्स हैं जिनका मैंने नाम आपको बता दिया। यूँ समझना कि इनकी जो बॉडी की सरफेस है उसी के ज़रिए ये काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो माउथ है उस माउथ के ज़रिए इसने चीज़ें अपने अंदर इनटेक भी करनी है, और यहाँ से चीज़ें आउट भी होनी। ये हमने चैप्टर नंबर 10 और 12 में पढ़ा था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एनिमल है दैट इज़ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की जो बॉडी होती है वो होती है फ्लैट, फ्लैट बॉडी होती है, इसको हम फ्लैट वर्म भी कहते हैं। इसका भी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसकी जो जो बॉडी है वो फ्यू सेल्स लेयर्स थिक होती है, मीन ज़्यादा लेयर्स नहीं होती उसमें। और याद रखें, इसमें सिर्फ डिफ्यूजन ही होती है, इसमें भी कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मौजूद नहीं है। ठीक है, डिफ्यूजन के ज़रिए चीज़ें अंदर आती हैं और डिफ्यूजन के ज़रिए चीज़ें बाहर जाती हैं। इसमें कोई सोलम भी नहीं है और कोई स्पेशल ऑर्गन भी मौजूद नहीं है। इसमें से कोई एमसीक्यू अगर आना हुआ तो वो यही आ सकता है कि प्लेनेरिया के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है या एक्सचेंज है वो कैसे होती है। तो आपने जवाब देना बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के ज़रिए चीज़ें अंदर भी आती हैं और बाहर भी चली जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा मेन जो टॉपिक है ना वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर होता है। इसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है लेकिन सरफेस एरिया कम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो जो एनिमल्स का कांटेक्ट है वो डायरेक्ट पानी के साथ नहीं होता, इसीलिए मटेरियल्स की जो है वो डिफ्यूजन भी आसानी से नहीं होती। जब डिफ्यूजन नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर प्रॉपर कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होगा, क्योंकि पिछले एनिमल्स के अंदर मोस्टली डिफ्यूजन से काम चल रहा था। अब जो है ना वॉल्यूम ज़्यादा है, सरफेस एरिया कम है, तो अब जो है वो डिफ्यूजन आसानी से नहीं हो सकती, इसलिए अब जो है वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए ही काम चलेगा। अब वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों याद रखो, जिन जानवरों के अंदर डिफ्यूजन नहीं चलती उनके अंदर क्या चाहिए होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो तमाम बच्चे कमेंट्स करके बताएं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड लार्ज एनिमल्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो चाहिए होता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम आम जबान में सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं।
ठीक है जी, तो ये लोग कमेंट करें, तमाम बच्चे कमेंट ये करेंगे campus.pk पे आके, जो लोग YouTube पे सुन रहे हैं वो भी campus.pk पे आके कमेंट करेंगे कि जो एनिमल्स अपनी ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के ज़रिए नहीं कर सकते तो उनको क्या चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड है। और उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम क्या है जी, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। लें जी, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पहला वर्ड है ना सर्कुलेटरी, इसका मतलब है सर्कुलेशन, बहाव। ऐसा सिस्टम जो चीज़ों को बहाव करवाता है, चीज़ों का बहाव करवाता है जानवर की बॉडी के अंदर, उस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये उन मटेरियल्स को पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करवाता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है अलाउस मैस फ्लो ऑफ मटेरियल, पूरी जानवर की बॉडी के अंदर फ्लो करवाएगा, और वो सिस्टम का नाम क्या है जी, सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता जी, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है जी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन करैक्टरिस्टिक्स हैं, पहला है ब्लड, दूसरा है हार्ट, और तीसरा है ब्लड वेसल। यानी एक ऐसा फ्लूइड चाहिए जो मटेरियल्स को डिसॉल्व करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराए, उस फ्लूइड को आमतौर पर ब्लड कहते हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं लेकिन मेन यही है। उसके बाद पंपिंग ऑर्गन, जिस ऑर्गन ने ब्लड को पंप करना है वो ऑर्गन आमतौर पर हार्ट होता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स में हार्ट नहीं भी होता लेकिन आमतौर पर यह हार्ट होता है। और ब्लड ने जिन नालियों के अंदर घूमना है, सैर करनी है, उन नालियों को आमतौर पर ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है जी बच्चों। तो जब तक सर्कुलेटरी सिस्टम के ये तीन करैक्टरिस्टिक्स पूरे नहीं होंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम कम्प्लीटली काम नहीं करेगा। हाँ, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड वेसल नहीं होती, वो हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं कि उनमें क्यों नहीं होती, तो फिर उनमें क्या होता है अगर ब्लड वेसल नहीं होती तो। ओके जी, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स होगा बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो याद रखें तमाम लोग कमेंट करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की दो टाइप्स हैं, तमाम लोग कमेंट करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं जी, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जल्दी से करें, ठीक है जी। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंस जो है वो हमने अब क्वेश्चन के अंदर याद करना है। तो सब ने कमेंट किया जी, कमेंट क्या करना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की दो टाइप्स हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तमाम लोग कमेंट करें campus.pk पे आके, और जो YouTube पे हैं वो भी campus.pk पे आके कमेंट करेंगे ताकि उनके मैं कमेंट रीड करूं। लेंगे तो पहला हमारा जो सिस्टम है दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है जी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं। ओपन का मतलब होता है कि जो ब्लड है, जो फ्लूइड है, वो ओपनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो वेजल्स के अंदर बंद नहीं है, वेजल्स के अंदर बंद नहीं है। जब वेजल्स के अंदर बंद नहीं है तो हम उसको ओपन कहेंगे। इसकी एग्जांपल है आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का और लोअर कॉर्डेट्स, जिनको 10th चैप्टर में हमने ट्यूनिकेट्स भी कहा था। तो क्या डेफिनेशन बनी, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो फ्लूइड है ना, मसलन ब्लड ले लें या कोई भी फ्लूइड है, वो वेसल्स के अंदर नहीं घूमता, वो ओपनली घूमता है। कहाँ घूमता है भाई, ओपनली। अब देखें आप, ये हार्ट था, ये एग्जांपल है कॉकरोच की, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये यहाँ से निकल जाता है ना, जब हार्ट से जब ये निकल जाता है तो ये पूरी बॉडी के टिश्यूज़ को डायरेक्टली बात कर रहा होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा होता है, किसी नाली के अंदर नहीं दौड़ रहा। यहाँ से ये निकल गया, हार्ट से जब ये निकल गया पोर्स के ज़रिए, तो ये डायरेक्टली सेल्स को जाके टच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को नाम क्या देंगे भाई, ओपन। ओपन है तो इसका मतलब है खुला सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें ब्लड खुला घूम रहा होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल जो है वो नहीं होती। कौन सी ब्लड वेसल नहीं है भाई, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज नहीं है।
इनके ब्लड का स्पेशल नेम है हीमोलिम्फ, हीमोग्लोबिन यहाँ पे नहीं है, हीमोलिम्फ है, ठीक है। ये कलरलेस होता है और ये हीमोग्लोबिन की तरह रेड नहीं है। ये फ्लोस, इट फ्लोस इन कैविटीज एंड साइनेसिस, ठीक है जी। ये कैविटी और साइनेसिस जो खाली जगह होती हैं सेल्स के दरमियान, टिश्यूज के दरमियान, ये वहाँ तक भी चला जाता है, बजाय नालियों में रहने के इस तरह के सिस्टम के अंदर फ्लूइड नालियों से बाहर चला जाता है, ठीक है। एग्जांपल जी कॉकरोच, और इनको हम पेरीप्लेनेटा भी कहते हैं। ये कॉकरोच का क्रॉस सेक्शन है, देखें ये साइनस दिखाया गया। सारी चीज़ें आप ना देखें, सिर्फ आप ये साइनस देख लें। स्पैराकल आपने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ लिया था, आप ये कोर साइनस देख लें, और डायफ्राम ये आपके काम की चीज़ है, हार्ट बड़े काम की चीज़ है। हार्ट से फ्लूइड जो पंप होगा वह पूरी बॉडी के अंदर ओपनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, ओपनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनका नहीं है, बस एक कलरलेस लिक्विड है जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल जो हैं उनका हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है जी। और हीमोलिम्फ फिर फ्लो करता है साइनेसिस के अंदर। अब आप लोग एक और कमेंट करेंगे कि कितनी साइनेसिस की टाइप्स हैं कॉकरोच के अंदर। तीन टाइप्स हैं, पेरी विसरल साइनस, पेरी न्यूरल साइनस, पेरी कार्डियल। पेरी कार्डियल वो जो हार्ट के पास है, देखें ये हार्ट है ना, ये दिल है, दिल के बिल्कुल साथ जो जगह है साइनस है, इसको हम कहते हैं पेरी कार्डियल। कार्डियल का मतलब जो है वो दिल होता है। एक साइनस जो है, एक जो जगह है वो नर्व कॉर्ड के साथ है, नर्वस सिस्टम के साथ है, तो इसको हमने पेरी न्यूरल कह दिया। और एक पेरी विसरल है, जो विसरल ऑर्गन, जो मरकजी ऑर्गन्स होते हैं उनके पास जो साइनस है, जो कैविटी है यूं कह लें इसको, ये जगह है जहाँ पे लिम्फ फ्लो करता है, उनको हम साइनस कहते हैं, इनके अंदर फ्लो करता है। और फाइनल और साइनस की मैंने आपको तीन टाइप्स बता दी, कितनी टाइप भाई, तीन टाइप, पेरी कार्डियल, पेरी विसरल एंड पेरी न्यूरल। इनके अंदर हीमोलिम्फ फ्लो करेगा और मटीरियल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये कॉकरोच का क्रॉस सेक्शन, आई मीन यहाँ से जब कट करते हैं ना, ऐसे क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये हमारे सारी चीज़ें काम की नहीं है, जो काम की मैंने आपको बता दिया। हार्ट काम का है, हार्ट से जब ये हीमोलिम्फ निकल गया तो ये हीमोलिम्फ जो है वो पूरी बॉडी के साइनेसिस में फ्लो करेगा और मटीरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। असल तो हमारा काम ट्रांसपोर्टेशन का ही है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। आगे चलें, हार्ट के 13 चैम्बर्स हैं, बड़ी प्यारी बात है जी। हार्ट के कितने चैम्बर हैं, 13, और ये ट्यूबुलर वेजल की फॉर्म में हार्ट है। देखें ये पूरी वेजल है जो दिल का काम कर रही है, ठीक है, जो पेरिकार्डियल साइनस के अंदर मौजूद है। और ये बाकी चीज़ें यहाँ पे काम की नहीं है, फिर भी देखना है तो देख ले। मिड डॉर्सल का मतलब है कि कान में मौजूद है, डॉर्सल का मतलब होता है सामने वाली जगह, ठीक है। एओर्टा है इसकी, जिसके अंदर ये फिर फ्लो करेगा। ये देखिए डॉर्सल एओर्टा, हेड पोर्शन ऑफ डॉर्सल एओर्टा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने कॉकरोच के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की, अब हम जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की थोड़ी सी एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि जो खून होगा वो नालियों से बाहर नहीं आएगा। ये जो आपको ब्लड वेजल्स नज़र आ रही हैं, इन ब्लड वेजल से बाहर खून नहीं जाएगा। हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड नालियों के अंदर ही रहेगा, डायरेक्टली टिश्यूज़ को कांटेक्ट नहीं करेगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए समझना कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था उसमें ब्लड ने ब्लड वेजल्स को छोड़ दिया था, ब्लड वेजल थी नहीं तो वो वहाँ से बाहर आ गई हार्ट से और डायरेक्टली टिश्यूज़ को जाके कांटेक्ट किया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये ब्लड जो है वो नालियों के अंदर ही है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड वेजल्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनका नाम है आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन। इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स हो जाती है थ्रू कैपिलरीज, और ये सिस्टम गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा था, जबकि ये वाला सिस्टम गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़,
इनके अंदर रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ओपन के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं था। हीमोग्लोबिन आपको पता है ना रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है, वाइट ब्लड सेल भी इसमें मौजूद हैं। और हाँ, ये एक एडवांस टाइप ऑफ सिस्टम है, ओपन के मुकाबले में बहुत एडवांस और हाईली एफिशिएंट है। ठीक है, अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म के अंदर हार्ट के 4 से 5 पेयर्स हैं, 4 से 5 पेयर्स हैं जो इसोफिगस के साइड पे मौजूद हैं। और ये आपको पता है ना अर्थवर्म सेगमेंटेड एनिमल है, तो इसके सेगमेंट नंबर 7 से लेके सेगमेंट नंबर 13 तक हार्ट के पेयर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये काम क्या करता है आपको पता है, ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है, डॉर्सल टू वेंट्रल साइड पर। और याद रखें इसकी आपने जो है वो कंपैरिजन डिस्कस करनी है विद कॉकरोच। 3 मेन ब्लड वेसल्स हैं, डॉर्सल, वेंट्रल, सब न्यूरल, जो कि बॉडी के लेंथ के अक्रॉस रन करती हैं। ठीक है, डॉर्सल जो है वो इस नाली का नाम है, ये जो ये ऊपर रन कर रही है, ठीक है। वेंट्रल इसका नाम है, ये जो नीचे रन कर रही है। और याद रखें सब न्यूरल जो है वो नर्व कॉर्ड के अलोंग जो होती है उसको हम सब न्यूरल कहते हैं। इसके साथ ही जो है वो कैपिलरीज भी इंटरकनेक्टेड हुई होती हैं। ठीक है, ब्लड की कलेक्शन वगैरह सारा कुछ होता है और ये सारा सिस्टम जो है वो ब्लड को इन नालियों से बाहर आने नहीं देता। ठीक है, और इनकी जो एक्सचेंज है वो कैपिलरीज के जरिए होती है। ये था कंपैरिजन बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी याद करना, बुक में बड़े प्यारे प्यारे और छोटे छोटे से डिफरेंस लिखे हुए हैं, मैंने डायग्राम के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसमें से अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो जल्दी से कर लें, मैं आपको जो है वो फौरन से जवाब दे देता हूँ। हरी अप स्टूडेंट्स। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लें, फिर मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। स्टूडेंट्स ज़्यादा जो है वो इसमें आपने दिमाग जो है वो नहीं लगाना, इसमें जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं सिर्फ वो आप याद करें, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस याद करें शॉर्ट के तौर पर भी और लॉन्ग के तौर पर भी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ अब हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 14 में जो टॉपिक्स मज़ीद रह गए हैं उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और सारी इंसानियत के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।